सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच. हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कैसे घर में बैठे हेयर स्ट्रेटनर या फ्लैट आयरन की मदद से बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं. मैं आपको करेक्ट टेक्निक, बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे टोनी एंड गाय का हीट प्रोटेक्शन मिस्ट. आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहे हो या फिर कर्ल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हमेशा एक हीट प्रोटेक्शन मिस्ट यूज करिए. नहीं तो ये आपके हेयर को डैमेज करेगा और आपके हेयर को बहुत ही वीक करेगा. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक प्रॉपर हीट प्रोटेक्शन मिस्ट यूज करिए. मैं इसे अपने हाथों में लगाकर अपने बालों के एंड्स में भी इसे लगाऊंगी ताकि मेरे बाल हीट से प्रोटेक्टेड रहे. अब मैं अपने बालों को सेक्शन करने वाली हूँ. मैं क्लच की मदद से अपने बालों को सेक्शन कर रही हूँ. आप अपने बालों को थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. मैं हमेशा स्ट्रेटनिंग अपने बालों के पीछे सेक्शन को लेके करती हूँ. तो आप अपने बालों को सेक्शन करने के बाद उसे अच्छे से कोम करिए. मैं यहाँ पे फिलिप्स का स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ. ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटनर है और मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक हीट में रखा था. और अगर आपको चेक करना है कि आपका ये स्ट्रेटनर प्रॉपरली हीटेड है कि नहीं, तो अपने हाथों को बीच में आप लेके आके चेक कर सकते हैं. और अब मैं बालों को सेक्शन करने के बाद, उसे अच्छे से कोम करने के बाद 2 से 3 बार या 3 से 4 बार जैसे आपको लगे वैसे आप उस पे ऊपर से नीचे हीट करते रहिए. ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है जहाँ पे मैं अपने फिंगर्स की मदद से अपने बालों को 3 सेक्शन में कर रही हूँ और फिर मैं उसे स्ट्रेटन कर रही हूँ. इससे बहुत जल्दी स्ट्रेटन होता है. जो हीट है वो आपके बालों में बहुत अच्छे से इफेक्ट होता है. तो ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है. तो मैंने जो आपको फर्स्ट टेक्निक दिखाया था मैं उसे ज्यादा प्रिफर करती हूँ. ध्यान रखिए आप अपने कान के पास स्ट्रेटनर को ना लाए. हमेशा जब आप कान के पास करते हैं तो कान से थोड़ा दूर रह के ही स्ट्रेटन कीजिए. और ऐसे ही आप बालों को सेक्शन में डिवाइड करते हुए, उसे अच्छे से कोम करते हुए आप ऊपर से नीचे 3 से 4 बार स्ट्रेटनिंग करते रहिए. फिलिप्स का स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है. 3 से 4 बार ही बहुत इनफ रहता है. अब मैं बालों के फ्रंट सेक्शन को स्ट्रेटन करूंगी. मेरे बालों के फ्रंट सेक्शन को स्ट्रेटन करने में बहुत ज्यादा हीट यूज होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे हीट मिस्ट दोबारा यूज कर रही हूँ. इसे यूज करने से हमारे बाल हीट से प्रोटेक्टेड रहते हैं. और उसके बाद मैं अपने स्ट्रेटनर को 4 से 5 बार ऊपर से नीचे करके स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ. मेरे फ्रंट हेयर को स्ट्रेटन करने में थोड़ा टाइम लगता है. और इसी तरह मैं हर एक सेक्शन को डिवाइड करने के बाद प्रॉपरली ऊपर से नीचे 4 से 5 बार कोम करने के बाद स्ट्रेटन कर रही हूँ. मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट लगता है पूरे हेयर को स्ट्रेटन करने में. और इसी तरह मैंने अपने पूरे बालों को अच्छे से स्ट्रेटन किया है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक करना ना भूलिए और सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. थैंक यू सो मच गाइस. आई सी यू ऑल सून. टिल नेक्स्ट टाइम बाय. यू ऑल हैव अ ग्रेट डे.